गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है वेडनेसडे और आज की तारीख ना थोड़ी स्पेशल है, 2-2-2-0-2-2, तो लॉट्स ऑफ टूज। और देखते ही देखते जनवरी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बट जनवरी में इतना कुछ हो गया, आई डोंट वांट टू रिलिव दैट। तो सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर एंड निमी का बर्थडे मंथ है, तो निमी सुपर एक्साइटेड। और आज शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह को नहीं क्योंकि सुबह से काफ़ी बिजी थी, निमी क्लासेस वगैरह थे और मुझे भी क्लासेस से याद है मुझे निमी को कल के लेसन के लिए प्रेप वर्क कराना है, तो फिर मैं इसको प्रेप वर्क कराती हूँ। और अभी कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। मैंने बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स दिया है, थोड़ा सा कॉर्न, थोड़ा सा चिप्स, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा मोटू बदलू देख रहे हैं। और आज का रात का डिनर होगा बहुत ही स्पेशल। और मैं कुछ एक चीज़ बोलने वाली थी, अच्छा क्या नसीब या क्या विडम्बना, देखो यार आज भी निमी के फॉलो अप डेंटल अपॉइंटमेंट थे और सुबह फिर से क्लिनिक से कॉल आता है आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जा रहा है। अब मैं सोचा रही यार वो तो डॉक्टर को कोविड हो गया, फिर से कोविड होगा, तो फिर मेरे कुछ पूछने के पहले ही क्लिनिक वाले लोगों ने बोला नहीं किसी और डॉक्टर को कोविड हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर कीपिंग द क्लिनिक क्लोज्ड एंड दे आर सैनिटाइजिंग द एरिया। तो आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हैं और आपको कल के अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो संदीप मुझे धो रहा है, तुमको वही एक क्लिनिक मिला था ले जाने के लिए अपना बेटी को, हाँ जहाँ पे सिर्फ एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, बट क्या करें अब वहाँ पे डेंटल वर्क स्टार्ट कर दिया है तो कहीं और नहीं जा सकते, इट वुड बी डिफिकल्ट क्योंकि अगेन फिर डॉक्टर को समझाना पड़ेगा, डॉक्टर फिर से पूरा चेक करेगा, तो इससे बेटर थोड़ा मुश्किल झेल लो और वहीं काम पूरा करा लो। तो आज नहीं जाना होगा, कल फिर संदीप निमी को लेके जाएगा। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सब क्या कर रहे हैं। लाइट ऑफ, हाय बेबीज, इट एक्सचेंज मोटू टू करेक्ट मोटू एंड मोटू टू डॉक्टर जैक्स। निमी को फाइनली कार्टून की स्टोरी समझ में आती है, इससे पहले तक शुरू देखती थी मुझे ऐसा लगता था या शायद उसको सीरियसली समझ में नहीं आता था, बट एनीवे आजकल तो समझ में आता है। और ना अच्छा रुक जाओ, वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ। खाऊंगी कुछ बचेगा तो सुबह खाऊंगी ना। आज बन रहा है मैदे का पूरी, हर दिन वही सेम रोटी पराठा चावल खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो आज बनेगा ढेर सारा कैलोरी वाला पूरी। तो गाइस मेरा मैदा गूंथना हो चुका है और आज शाम को चाय नहीं बना रही हूँ, अभी संदीप बोल के गया ही वुड लाइक टू हैव कॉफी, तो आज बहुत दिन बाद कॉफी बन रहा है। और कॉफी से भी एक सैड स्टोरी जुड़ी है, ये कॉफी कोर्ग नेचुरल इंस्टेंट कॉफी, मैं कोर्ग से लेके आई थी, काफ़ी बड़ा बैग है, बट द थिंग इज इट्स नॉट इंस्टेंट कॉफी यार, ये वो है क्या बोलते हैं फिल्टर कॉफी। तो इवन तो इसमें इंस्टेंट लिखा हुआ है, इट्स नॉट इंस्टेंट, आपको पूरा चाय की तरह पूरा उसको छाँकना पड़ता है डबल ट्रिपल बार, नहीं तो ब्लैकिश रेसिड्यू रह जाता है। तो कॉफ़ी पीने में बहुत छमेना लगता है, इसलिए तो आई अवॉइड मेकिंग कॉफ़ी, इवन दो आई लाइक कॉफ़ी सो मच, मैं आजकल कॉफ़ी अवॉइड कर रही हूँ बस उसको स्ट्रेन करने के छमेले से। तो ये पति देव ने आज फरमाइश की है तो आज कॉफ़ी बनाते हैं। I don't like it much, but क्योंकि खरीद लिया है और इतना सारा है, I don't want to waste it out though. Use करना पड़ेगा। मैं इंस्टेंट कॉफी की जगह फिल्टर कॉफी मुझे पकड़ा दिया कोर्क में और मुझे वेस्ट नहीं करना है बोल के मुझे वो बेकार सी कॉफी पीनी पड़ी, बहुत एटलीस्ट और 30 कप बनेगा। क्यों लिया इंस्टेंट कॉफी था यार, देख के दिया पर फर्स्ट दिन जैसे डाला पता चल गया इज नॉट इंस्टेंट इट्स फिल्टर कॉफी फिल्टर कॉफी। तो गाइस हम लोग वॉक के लिए नीचे जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हवा खा के आएंगे।
मास्क के ऊपर से? हाँ, ऐसे मास्क के ऊपर से ही खा लेंगे। So guys, मैं अभी डिनर बनाने आ चुकी हूँ और डिनर में अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म पूरी। और गाइस, मैं आपको तभी एक बात बताते बताते रुक गई थी, एक फिर से ना ट्रेवल कैंसिल हो गया है। संडे फरवरी में घर जाने वाला था और आज दोपहर का मैसेज आया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, यू कैन रीशेड्यूल और व्हाटएवर, पता नहीं क्या होगा जाने का। लिटरली यार सुना, लास्ट ईयर से हमारे कितना ट्रेवल ऐसे कैंसिल हो चुका है ना यार, तो वही सेम ओल्ड स्टोरी रिपीटिंग ही नहीं हुई है। तो कोई नहीं, अच्छा अच्छा डिनर करते हैं और खुश रहते हैं। गर्मा गर्म पूरी तल के रेडी है, तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ गाइस, और अभी जाती हूँ डिनर एंजॉय करने के लिए। होपफुली आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।